मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। मोहम्मद अली शाह जी, देखिए अब ईरान ये कह रहा है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसराइल को यहाँ पर, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या एक और बड़ी जंग यहाँ पर हो सकती है? क्या ईरान और इसराइल के बीच में अब एक नई जंग छिड़ सकती है? जी, पहली बात तो ईरान ने थोड़ा प्रिजम्पशंस हुआ है कि इसराइल ने ही ये हमला किया है, हो सकता है किसी और ने किया हो, पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से उंगलियां उठ रही हैं, प्रिजम्पशन ये है कि इसराइल ने ही किया है, हो सकता है, क्योंकि क्या किसी ने भी हो, भले इसराइल ने किया हो, भले किसी और ने किया हो, इसमें फायदा किसका है? फायदा है इसराइल का। तो ईरान उंगलियां उठा रहा है इसराइल पे, इसराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ऐसा कह रहे हैं। जब इसराइल ने हमला किया था सीरिया के सेक्रेटरी पर, जब ईरानी कुछ मारे गए थे वहां पे सीरिया में, तब ईरान ने भी यही कहा था। ईरान ने हमला किया था इसराइल के सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में, ग्रे जोन में, इनके बॉर्डर पे, जहां पे सिंबॉलिकली हमला भी हो जाए, नुकसान भी ना हो, तो उनका फेस रह गया यहाँ वहां पे। तो यहां पर जब इस्माइल हानिया का जब कत्ल होता है उनके बॉडीगार्ड के साथ एक घर में, वो भी ईरान की राजधानी त्रेहान में, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि इससे मामले एस्केलेट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमस का लीडर है और ईरान विल नॉट टेक इट काइंडली। ईरान चुपचाप नहीं बैठेगी, ईरान ने फौरन फट से जवाब दिया कि इसराइल, ऐसे करके ईरान ने तो उंगलियां उठाई। हालांकि जैसे कि जनरल राजन कोचर साहब ने सही कहा कि इसराइल इसका कभी सिर पे नाम नहीं लेगा कि भाई हमने किया है, कभी इसकी ओनरशिप नहीं लेगा कि उन्होंने किया है ये काम। अब इससे बात और आगे बढ़ेगी, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, और ये बहुत ही पेचीदा मामला हो जाएगा और बहुत ही इसमें खतरा है पूरी दुनिया के लिए, केवल गल्फ या अरब वर्ल्ड के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। जो मुल्क अभी बाहर बैठे हुए हैं उनको कोई मतलब नहीं इससे, वो सोच रहे हैं, लेकिन मतलब होगा सबको, सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें अल्टीमेटली आने वाला है। और अगर ये जंग अभी नहीं रुकी, मैं कह रहा हूं जंग तो खैर नहीं रुकेगी क्योंकि 100 साल से ऊपर चल गई, जंग बंदी सीज फायर अगर नहीं रुका वहां पे, तो अभी ये बहुत ही खतरे की घंटी पूरी दुनिया के लिए बज सकती है। जहरा जी, जी बिल्कुल, मोहम्मद अली शाह जी, एक बड़ा सेटबैक है ये जो कत्ल किया गया है यहाँ पर हानिया का हमास के लिए। ऐसे में क्या उनकी जगह अब कौन ले सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि पहले ही हालात गाजा में बेहतर नहीं है, लगातार जो दिक्कतें हैं लोगों की बढ़ती जा रही हैं, और हमास का चीफ का इस तरीके से उनकी मौत हो जाना कितना बड़ा झटका इसे मान रहे हैं, और उनकी जगह अब कौन ले सकता है, क्या लगता है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है जरा जी। देखिए, यही सवाल बहुत लोगों के जहन में इस टाइम पे होगा कि उनकी इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब कौन हमास की कमान संभालेगा। और मगर एक बात जरूर है इसमें, देखिए, एक उसामा बिन लादेन अलकायदे की चीफ को का खात्मा करने के बाद क्या उग्रवाद की अलकायदा खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई, एक आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी का खात्मा करना है अगर हमास का खात्मा करना है तो। लेकिन ऐसे एक सर काटेंगे तो 10 सर और पैदा होंगे, मैं बदकिस्मती से ये कह रहा हूँ, ये फैक्ट की बात है। अब इसमें हमस के इसके अंदर हमस के अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स मैं देख रहा हूँ जागेगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा, कहीं पे भी होता है हमस में नहीं, अनुबन तौर पे एक सदर होने की रेस लगी होती है, कौन सदर बनेगा, तो इसमें हमस के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमस के अंदर अंदर इंटरनली कई सारे लोग हैं वो चाहेंगे कि अभी अब हम आके सदर बने हमस के। और हमस के लीडरान जो हैं वो अक्सर वो बाहर बैठे हुए हैं, कतर जैसे अनेक देशों में बैठे हुए हैं, वहां पे 5-star जिंदगी जी रहे हैं, और जो फाइटर हैं, जो मेन फुट सोल्जर हैं, मेन काम वो पकड़ा वो बाहर है, तो इसमें कई पेचीदा मामला इसमें होगा, क्योंकि हमस के अंदर इंटरनली भी जब हेड बिखरता है तो पूरा अपने आप, जब रेल का इंजन खराब हो जाता है तो अपने आप रेल रुक जाती है, तो ये काफी रुकेगी तो नहीं हमस, लेकिन काफी हद तक इसके लिए भी सेटबैक होगा। और अंदर हमस के ये देखना अभी और बाकी होगा, ये वक्त बताएगा कि अगला हमस को टेक ओवर कौन करता है और कैसे करता है और कैसे हमस की लीडरशिप की कमान संभालेगा। जी जी बिल्कुल, मोहम्मद अली शाह जी, ऐसे में जो दूसरे मुल्क है उनका क्या रुख रह सकता है, और इससे कत्ल के बाद क्या लगता है उनका क्या रिएक्शन होगा, कतर खासतौर से अगर बात करें, क्योंकि कतर में ही हानिया रहा करता था।
जी देखिए, बाकी जो मुल्क है देखिए, खासतौर से कतर, क्योंकि कतर में ही हानिया करता था, और हमस के अन्य लीडर तो कतर में ही रहते हैं। और दोहा पैक भी, जब अफगानिस्तान, जब तालिबान ने साइन हुआ तो भी दोहा पैक अमेरिका और तालिबान के का जो अग्रीमेंट हुआ था, ये भी कतर से हुआ था। तो कतर एक तरीके से यहाँ पे काफी हद तक शील करके रखी हुई है लोगों को, तो वो मुझे लगता नहीं कि वो इसमें ज्यादा दखलअंदाजी देना चाहेंगे। कतर इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ पास है, वो ज्यादा इसके अंदर एक्टिव रोल नहीं निभाएंगे अपना इसके अंदर, क्योंकि ना ही वो कतर का नागरिक था, बस वो, हाँ, वो रहा करता था वहां के अंदर, वो जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई एनआरआई रह रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली तो उनकी कोई ऐसी कोई खास जिम्मेदारी इसमें है नहीं कतर की, तो इसमें मैं कोई खास रोल कतर का देख नहीं रहा हूं। अन्य बाकी देश जो हैं इसके अंदर, क्योंकि इस मौके का ये मौका ऐसा है कि इसमें अन्य देश इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। मिस्र, अगर जब ये मिस्र, क्योंकि मिस्र भी एक स्टेक होल्डर है, हालांकि अमेरिका ने जब प्रस्ताव रखा था शांति का, पीस प्रोटेस्ट, तब इसमें मिस्र और कतर को शामिल नहीं किया था, और जनरल कोचर के साथ अच्छे थे वो, याद है वो डिबेट, उन्हें बहुत ही सटीक, एक्यूरेट, सही एनालिसिस दिया था उस टाइम, तो कहा था कि कतर और मिस्र को इसमें शामिल करना चाहिए। तो मतलब यानी कि ये केवल दिखावा है, केवल ये जो पीस की हम जो बात कर रहे हैं, जो वहां पे अमेरिका, तो इसमें अन्य देश जैसे कि कतर हो गया, कतर तो इसमें दखलअंदाजी देना नहीं चाहेगा, वो इसे अपने आप को डिसओन कर देगा, दूर रखेगा अपने आप को एक तरीके से। मिस्र हो सकता है कि जब पीस टॉक्स हो तब उसमें ये बात, ये मुद्दा जरूर उठाएगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई किसी का अगर जिम्मेदारी कोई लेता कि हाँ भाई हमने किया है, ये वजह है, ऐसी बात है, भलाई कोई भी हो, भलाई वो इसराइल हो या इसराइल ना हो, जो भी हो, तो इससे मुद्दा काफी हद तक काफी सुलझ जाता है। लेकिन और ये बाकी मुल्क है, जैसे कि मैं पहले बताया कि जो मुल्क सोच रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि फिलिस्तीन और इसराइल में क्या हो रहा है, वो गलत समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं दूर फिर के देखिए, एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी फायर लगा सकती है, एक स्टोन एक रिवर के अंदर एक सुनामी ला सकता है, तो वैसे ही एक चिंगारी जो है ये इसमें, अन्य मुल्क हैं वो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं शांति के प्रस्ताव में जब ये बात निकलेगी तो उठाएंगे जरूर, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये वक्त बताने वाला है आगे। जी बिल्कुल, क्या असर इसका पड़ता है ये देखना बहुत अहम होगा। मोहम्मद अली शाह जी, इसराइल भले ही इस हमले को लेकर तस्दीक नहीं कर रहा हो, मान नहीं रहा हो कि उसने ये हमला किया है, लेकिन उनके ही एक हेरिटेज मिनिस्टर ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि इस मौत के बाद दुनिया की गंदगी साफ होगी और दुनिया अच्छी हो जाएगी, इसे किस तरह से समझें? जी जारा जी, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात फरमाई है आपने, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इससे चाहे कत्ल किसी ने करा हो, चाहे इसराइल ने किया हो चाहे इसराइल ने नहीं किया हो, वो बात आगे दिखने वाली बात है, लेकिन इसे फायदा होएगा 100% इसराइल को। अब जैसे कि इस्माइल हानिया के बारे में मैं कुछ चंद दो एक चीज बातें बताना चाहूंगा कि इस्माइल अब्दुल सलाम अहमद हानिया, ये इनकी परवरिश हुई थी, बल्कि इनकी पैदाइश हुई थी 1963 में, और 8 मई 1963, ये एक पैलेस्टीनियन पॉलिटिशियन थे जिनको एक वाइडली कंस्ट्रक्ट किया था एक चीफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हमस की पॉलिटिकल पार्टी ने। फिर ये गवर्न हुई थी, गाजा स्ट्रिप को गवर्न करते थे 2007 से लेके, फिर ये चेयरमैन ऑफ द हमस पॉलिटिकल ब्यूरो हुए, फिर 2023 से लेके अब तक, जब ये कतर में रहते थे 2023 से लेके अब तक 2023, फिर ये असैसिनेट, इनका असैसिनेशन हुआ, फिर इनका अल शक्ति रेफ्यूजी कैंप जो कि इजिप्शियन ऑक्यूपाइड गाजा स्ट्रिप है उसमें 1963 में इनकी पैदाइश हुई थी, फिर इनकी ये इनकी परवरिश इनकी पढ़ाई लिखाई हुई इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में, जब ये पहले सबसे पहले इनका इनका रब्ता हुआ हमस से, फिर ये ग्रेजुएट हुए एक बैचलर डिग्री अरबिक लिटरेचर में 1987 में, फिर ये अपॉइंट हुए हेड ऑफ हमस ऑफिस इन 1997, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये रैंक से और आगे ऊपर उठे। जी, हानिया जो हेड ऑफ हमस थे, जिस उसने पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शंस 2006 से लेके पहले प्रधानमंत्री बने वो स्टेट ऑफ फेलेस्टीन के, उसके बाद फिर महमूद अब्बास जो कि प्रेसिडेंट थे पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के, उन्होंने
डिसमिस किया हानिया को ऑफिस से 14 जून 2007 में। उसके बाद की क्योंकि फतह और हमस के बीच में बहुत इनकी तालुका अच्छे नहीं थे। अब फतह और हमस के बीच में चीन ने खास तौर से इनकी सुलह कराई है। फतह और हमस वापस दोस्त बन गए, कॉमन टारगेट, एक कॉमन एनिमी को ये ढूंढ रहे हैं। अब हानिया ने एक्नॉलेज नहीं किया अबस का जो को डिग्री था जो, और कंटिन्यू कर किया इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर पोजिशन में गाजा पट्टी में। फिर हने जो लीडर थे हमास के गाजा पट्टी में 2006 से लेके जी फरवरी 2017 तक, उसके बाद ये रिप्लेस हुए याह्या सिन्वर से, और 6 मई 2017 को हानिया का को दोबारा इलेक्ट कर दिया गया एज चेयरमैन ऑफ हमास पॉलिटिकल ब्यूरो, जो कि जो पोजीशन ये एंजॉय कर रहे थे। फिर ये खालिद मसाल को रिप्लेस किया उस टाइम पे। फिर हानिया रिलोकेट कर गए खतर गाजा पट्टी से खतर को, और अभी देखिए हम देखा 31 जुलाई जी को इनको ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हम के थोड़ा बेसिकली उंगलियां जा रही हैं इसराइल की तरफ को। इसको हम कैसे देखें, इसको हम ऐसे देख रहे हैं कि अगर इसराइल ने भी किया होता, लेकिन इसराइल ने तो ये कदम कर रखी थी कि वो हमस को बिल्कुल खाक में मिटाएंगे, तो जी अगर ऐसा करना है तो उनको आइडियोलॉजी खत्म करनी पड़ेगी। इनको हमस के फौजी, इनके जो लीडर हैं, इनके जो लड़ाके हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इनको आइडियोलॉजी खत्म होनी पड़ेगी। और मासूम मासूमों का खात्मा, बच्चों का, खवातीन का, बुजुर्ग का, निर्दोषों का बहुत खात्मा हो रहा है वहां पे। इसके नाम पर कोलैटरल डैमेज दिया जा रहा है। हालांकि कोलैटरल डैमेज को मैं उसको नहीं मानता हूं कि वो कोलैटरल डैमेज है। इसराइल तबाहतोड़, इसको कई अन्य देशों ने जेनोसाइड का करार दे रखा है। या इसके तुर्की ने तो उन्हें उनकी तुलना की है, नेतन्याहू की तुलना करी है अडोल्फ हिटलर से, तो अन्य देश हैं, जी बल्कि जी इंटरनेशनल बिल्कुल। कोर्ट ऑफ देखिए जाहिर जस्टिस। तौर पर अब जिस तरीके से ये कत्ल हुआ है, इसके बाद किस तरीके से जांच में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि इसराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ईरान और हमास कह रहा है कि इसमें इसराइल का ही हाथ है और फायदा भी इसमें इसराइल का ही है, तो कहीं ना कहीं तस्वीर कब तक साफ होगी ये देखना अहम होगा। यहां पर फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।